संजय गांधी अस्पताल के पार्किंग में खड़ी इनोवा गाड़ी के साथ की गई तोड़फोड़। अमहिया थाने में मामला हुआ दर्ज। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां संजय गांधी अस्पताल के पार्किंग में रखी इनोवा गाड़ी के साथ की गई तोड़फोड़ एवं गाड़ी के अंदर रखे 25,000 एवं चेक अज्ञात बदमाशों ने किया पार। मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद जमाल पिता मोहम्मद अहमद निवासी कटरा तलैया हमेशा की तरह संजय गांधी अस्पताल के गाड़ी पार्किंग में 800 रुपए महीना के हिसाब से अपनी इनोवा कार पार्क किया करते थे। 4 मार्च की सुबह उनके गाड़ी में अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ की, जिससे गाड़ी को भारी क्षति हुई और गाड़ी में रखे 25,000 एवं चेक आदि ले उड़े। गाड़ी तो नहीं ले जा पाए, जिसके कारण गाड़ी में भारी तोड़फोड़ की और गाड़ी को क्षतिग्रस्त करके छोड़ दिया। अब बात यह आती है कि जब पार्किंग शुल्क लिया जाता है तो फिर ठेकेदार की क्या जिम्मेदारी होती है। ठेकेदार अपनी जिम्मेवारी लेने से परहेज कर रहा है। ठेकेदार का कहना है कि हमने गाड़ी को तोड़फोड़ करते हुए नहीं देखा। वहीं पीड़ित ने घटना की रिपोर्ट अमहिया थाने में दर्ज करवा दी है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। ये पार्किंग में खड़ी रहती है गाड़ी, है ना, और जो महीने वाली गाड़ी है इस साइड खड़ी रहती है। ये तो खड़ी थी उधर, और सुबह 5 बजे की घटना है ये। हमारा लड़का था तो फोटो भी खींचा है गाड़ी की, कि भैया कोई आ गया तो ये ना कह दे कि यहीं ठुकी है। और जो सिक्योरिटी गार्ड के हो रहा तो उससे इन लोगों ने कह भी रहे थे धक्का मरवा के भैया किनारे करवा दो, तो इन लोगों ने नहीं करवाए। अब कौन सा बंदा ये हम नहीं जानते, ये बताने के अनुसार हम बता रहे हैं। सीसीटीवी वगैरह कुछ निकला? जहाँ बता रहे थे कि वहाँ पास गाड़ी खड़ी नहीं थी। तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ होगा? अरे तो जहाँ पास गाड़ी खड़ी थी ना, तो वहाँ पास का कुछ है ही नहीं, गाड़ी है ही नहीं थी नहीं वहाँ 5 बजे की टाइम पर। भाई के हैं जमाल अहमद के, ये 4 तारीख को सुबह कोई बदमाश दुश्मन आके मतलब वहाँ से बड़े स्पीड में आया है और यहाँ ठोकर मार दिया है। और हमारे भाई का चेक भी रखा था और 25,000 रुपये नगद था, वो ले गए। और हमारे भाई को जान का खतरा भी है। हम लोग मतलब हमारे भाई सुबह जाने के जब बच्ची की तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने आए गाड़ी लेने देखा तो यहाँ पे कोई गाड़ी आप कहाँ खड़ी की है? ये पार्किंग में, बीच पार्किंग में सामने खड़ी, ये 5 साल से यहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते आपके हैं। भाई को किससे जान का खतरा है? ये हमारे भाई से या यहीं कोई दुश्मनी मान रहा है। कौन, नाम, क्या काम करते हैं आपके भाई? हमारे भाई ये जमीन का काम करते हैं। ये किसकी पार्किंग है, कहाँ, कितने? ये ठेकेदार यहाँ पार्किंग के लिए है ठेका, तो 5 साल से मतलब। कौन सी पार्किंग है ये? हॉस्पिटल के पार्किंग है। गाड़ी पार्क करने का आपको पैसा वगैरह? अब 800 रुपये महीना उनको देते थे, पर्ची देते थे। अब क्या कह रहे हैं जब? अब वो उन्होंने बोला कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मैं यहाँ मतलब आप पैसा आप देते हैं। पहले बोले थे कि हम पर्ची देते हैं, पूरी हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा के हर चीज़ के, मगर उन्होंने मतलब कोई अब मुकर रहे हैं अपने बात। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आपका? ये कम से कम 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अब क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इसके कार्रवाई हो और जो इसका किए हैं दुश्मनी बस उसको गिरफ्तार किया जाए। कौन लेके जा रहा था गाड़ी, कैसे लेके जा रहा? ये मैं हम लोग तो नहीं देख पाए, जब सुबह हम लोग आए हैं यहाँ जब देखे तो हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी। घटना की जानकारी आपको कैसे मिली? सुबह हम लोगों को मतलब उनकी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी भाई के हमारे, वो आए थे गाड़ी लेने, देखे तो यहाँ गाड़ी एक्सीडेंट मतलब खड़ी थी। कब की घटना है ये? 4 तारीख को। थाने में शिकायत की? थाना में गए, वहाँ आवेदन दिए, उन्होंने रिसीव नहीं दिया था, बोले मैं आकर यहाँ कार्रवाई करूँगा। बस कल भर मुंशी जी आए थे, इसके बाद अब कोई नहीं आया। आपका नाम? मंसूर अली नाम मेरा, मैं उनका बड़ा भाई। किसके नाम से गाड़ी है? ये कटरा मोहल्ला यतीम खाना। गाड़ी किसके नाम से? ये जमाल अहमद के नाम से।